नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने आप को पहचानना चाह रहे हैं, खुद के पावर को पहचानना चाह रहे हैं, खुद के एबिलिटी को पहचानना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को एक स्टोरी के माध्यम से शुरू करना चाहेंगे। एक समय की बात, शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारे भेड़ गुजर रहे थे। वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ ही रहने लगा और उन भेड़ों के साथ रहने की वजह से वह खुद को एक भेड़ ही समझ रहा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, और उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थे और भेड़ के ही साथ रहने लगा था। उसने कभी शेर की तरह दहाड़ा नहीं था। फिर समय गुजरता गया और शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में बिल्कुल अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों की आदत हो गई। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में जवान शेर देखा तो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह भूल गया कि वह वहां पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला कर दिया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों में जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे, और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़कर यह कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसको नदी की तरफ ढकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देख। नदी का पानी पूरी तरह शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर को कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो, अपनी बॉडी को नदी में देखो फिर मेरी बॉडी को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा, और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह है। वह रियलिटी को समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है, और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया। तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटल कॉन्सेप्ट था, पर अब रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है। अपने अंदर से वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा है। आप भी एक शेर की तरह हो जो आप भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने लोग हैं वो आपको फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनकी तरह रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल पावर्स और एबिलिटी को पहचानना है, और जिस दिन अपनी पावर्स और अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे तो उस शेर की तरह तब आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता।